डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद बीकीपर। और ये हमारी 10वें नंबर की वीडियो है, वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 राजस्थान बोर्ड। तो हमने ये पिछला जो ए पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो हमने परावर्त योजयत के द्वारा सरल समीकरणों को सॉल्व करना पड़ा था। इस वीडियो में उसका दूसरा पार्ट है, शून्य साम्य समुच्चय विधि को यूज करेंगे। अब देखो, शून्य साम्य समुच्चय जो विधि है, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ आपसे कि चीजों को आप अंडरस्टैंड करो, चीजों को लर्न करो, सीखो चीजों को, रट्टा मत मारो। पहली बात, हमें सिलेबस पे फोकस करना है, चीजों को सीखना है। शून्य साम्य समुच्चय यानी शून्य समान है समुच्च, ऐसे इस प्रकार से मान सकते हैं कि यदि समुच्च समान हो तो डेटा जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कि पहले सूत्र के अनुसार देखे, इसके पहला इसका उपयोग देखे हम, तो ये मान के चलो जैसे आप प्रत्येक पद में यदि चर कॉमन हो, चर मतलब कि जैसे एक्स वाई जेड है, इनको चर बोलते हैं अपन, चर कॉमन हो तो चर का मान हमेशा जीरो के बराबर आएगा। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है 12x plus 3x equal to 4x plus 5x। अब देखो यहाँ पे आपका x यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे इक्वेशन में x कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है। तो भैया सीधा सा x का वैल्यू वैदिक गणित से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से, जो हमारा रेगुलर तरीका है, उस तरीके से सॉल्व करते तो हम क्या करते, 12x और 3x कितने हो रहे हैं आपके, ये आपके 15x हो रहे हैं, ठीक है। सामने क्या है, 4 और 5 आपके, ये आपके 9x हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके 9x हो गए। अब हम क्या करते, एक तरफ ले ले दोनों को, 15x ये रहे, 9x को इधर लेके आते हम, तो भैया हमारे पास यहाँ पे क्या बचता, जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 9x उधर गया तो यहाँ पे जीरो मान के चलते हैं हम। सामने को 15 में से आपके ये 9 गए तो 6x माय डियर आपके हो गए बराबर जीरो। तो x बराबर जीरो और ये 6 नीचे की तरफ जाएगा, तो x बराबर जीरो अपॉन 6 यानी कि वैल्यू क्या आता आपको, जीरो। तो ये तो हमारे जो लॉन्ग प्रोसेस जो हम रेगुलर तरीके से करते थे वो, और ये डायरेक्टली वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। चलिए दूसरा नंबर का तरीका देखते हैं इसका, जैसे 2 और x प्लस 1 7x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए दोनों पक्षों में, पहले दोनों पक्षों की बात हुई थी, अब भी दोनों पक्षों की बात है, x प्लस 1 इधर के पक्ष में भी माय डियर और इधर के पक्ष में भी है। तब जिस जो मतलब जो चीज कॉमन है उसके बराबर रख दो डेटा को, यानी कि पहले बोला था ना आपसे कि डेटा का वैल्यू जीरो के बराबर आएगा यदि डेटा कहीं पे कॉमन है। तो यानी कि डेटा आपका कॉमन कौन सा था, x प्लस 1 कॉमन, बिकॉज x प्लस 1 इस साइड में भी है, x प्लस 1 आपका उस साइड में भी है। तो x प्लस 1 बराबर आप रखोगे जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो आएगा माय डियर 1 को इधर भेज दो, दैट इज माइनस 1, तो x का वैल्यू आपका माइनस का 1 आ गया। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, दूसरा मतलब और अनुप्रयोग, ठीक है। अब दूसरा रूल कहता है इसका कि एक घातीय समीकरण में यदि स्वतंत्र राशि समान हो तो स्वतंत्र राशि का मान जीरो होता है। यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x प्लस 3 है प्लस 2x प्लस 5 एंड प्लस में 4 है, चलो ठीक है। इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व कर दे हम, तो माय डियर ये होता है आपके x प्लस 3 और ये 2x प्लस 5 प्लस 4, और सामने को हम देखें तो इस दो को यहां गुणा करें तो 2x और दो को 6 से गुणा करेंगे माय डियर 12। अब देखो थोड़ा और सॉल्व कर दो इसको, x प्लस ये 2x था तो x तो ये और 2x ये हो गया आपका 3x, 5 और 4 9 और 3 ये आपके 12, ठीक है। और उधर को भी क्या है 2x प्लस 12। अब जरा ध्यान दो, स्वतंत्र राशि की बात की थी इसने, स्वतंत्र राशि की मतलब जो किसी पर डिपेंडेड नहीं है। अब यहाँ पे दो तो x के वैल्यू पर डिपेंड है भाई, x का वैल्यू 2 हुआ तो 4 हो जाएगा, कुछ और हुआ तो कुछ और हो जाएगा, पर 12 तो 12 है, यानी स्वतंत्र राशि यहाँ पे कौन है 12। यदि दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि समान हो तो माय डियर यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो यार, मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आपके लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तीसरा अनुप्रयोग। देखो अर्थ की बात करें तो बोल रहा है कि दो भिन्नों का अंश समान हो, यानी दो भिन्नों के अंश समान हो तथा जैसे तीसरा हम यूज देखे इसका, तो ये बोलता है कि दो भिन्नों का अंश समान हो तो हरों का योग यदि हम जीरो के बराबर रख दें तो आपके डेटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई जैसे आपके पास दो भिन्न थी, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस ए एंड देन 1 अपॉन एक्स प्लस बी, इस प्रकार से भिन्न है, यदि इनके अंश समान है, अंश मतलब एक ऊपर भी समान है ऊपर भी समान है, दोनों अंश यदि समान है तो यदि हम
जो हर है उनको यदि शून्य के समान रख दे उनके योग को, यानी कि x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इसको रख दे जीरो के समान, तो माय डियर आपका वैल्यू आ जाता है, यानी कि x और x कितना हुआ माय डियर 2x, ठीक है। a प्लस बी को क्या बोल सकते हैं आप, a प्लस बी ही बोलेंगे, सामने कौन है भाई जीरो। अब इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लें, तो आपका 2x ये पूरा a प्लस बी प्लस का है, यहाँ पे a प्लस बी खुद पूरा प्लस का है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माय डियर, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। और x प्लस अब जो वैल्यू आएगा माइनस ए माइनस बी इस प्रकार से, और बटे में क्या हो जाएगा आपका दो नीचे चला जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर भी m दोनों में कॉमन है, यानी एक जैसा है, एक तरीके से देखे तो दोनों में एक जैसा है। यदि अंश समान हो तो हरों को क्या करेंगे हम, जोड़कर जीरो के बराबर रखेंगे, यानी हरों को जोड़ें तो 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, 2x ये रहे 3x ये रहे, ये हो गए आपके 5x, 4 ये 1 ये आपके हो गए 5 बराबर 0। यदि x की बात करें तो ये इधर को चला जाएगा 5, ये माइनस का हो गया, x बराबर क्या होगा माइनस 5 के अपॉन में कौन चला जाएगा आपके, प्लस का 5 चला जाएगा, और ये आ गया आपके माइनस का 1, यानी x का वैल्यू माइनस का 1। तो इस प्रकार इन सवालों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं चौथे नंबर का यूज एवं अर्थ। देखो चौथे नंबर में मतलब चौथे प्रकार से देखें तो ये बोल रहा है कि दो पक्षों के अंशों का योग बराबर हरों का योग हो, तो किसी भी समुच्च को अब जीरो को बराबर रख दो उसका मान प्राप्त आपको हो जाएगा, मतलब वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल यहां पे मान लो, देखो यहां पे आपके अंश ऊपर के हर नीचे के, तो उसने ये बोला है आपको ऊपर कि दोनों पक्षों के अंशों का योग करना है, अंशों का मतलब ऊपर का योग, यानी 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, तो चलो जोड़ो, ये आपके अंशों का योग रहा, ठीक है। ये अंशों का योग देखें तो 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, यानी 2x और 2x कितने हो गए आपके 4x, और 5 और 3 आपके 8, तो इसका तो आ गया ये। अब बात करें हम हरों के योग की, यानी जोड़ की, ठीक है। तो 2x हर ये हैं आपके नीचे वाले, तो 2x ये 2x ये आपके फिर से क्या हो गए 4x, और 3 ये 5 ये, तो ये भी आपके क्या हो गए 8x, यानी कि अंशों का योग किया हरों का योग किया दोनों क्या है आपस में बिल्कुल बराबर। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों बराबर हैं तो किसी भी एक सेट को जीरो को बराबर रख दो, चाहे अंश वाले को रखो आप चाहे आप हर वाले को रखो, मतलब 4x प्लस 8 बराबर आपको जीरो रख देना है किसी एक को भी, क्योंकि दोनों समान है किसी को भी रख लो। तो अब यहां से क्या है 4x बराबर क्या 8 यहां पे था प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। देखो हम वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, जिस चीज का वैल्यू चाहिए हमको, जिस चीज का मान चाहिए उसको अकेला करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 4x प्लस 8 था, तो पहले हमने 8 को हटा दिया यहां से बिल्कुल, तो उधर जाके माइनस हो गया। अब हम 4 को और हटा देंगे यहां से, यानी कि अब बचेगा आपके पास x, उधर को आपका 8 था, ये 4 उधर पहुंच गया, यहाँ पे गुणे में था यहाँ पे भाग में हो गया, तो 4 दूनी के आपके 8, यानी आपका जो वैल्यू आया x का वो क्या आया आपके 2। अब देखते हैं पंचम सूत्र का अर्थ और यूज कैसे करना है। ये बोलता है पंचम सूत्र भाई कि कोई मान लो समीकरण है आपके पास में, कोई भी इक्वेशन है मान लो एनी वे, तो उसका जो साइड ए है मतलब कोई सा पक्ष, इधर वाले को हम जो है लेफ्ट मान रहे हैं, उधर वाले को राइट मान रहे हैं, तो जो लेफ्ट हो चाहे साइड हो, एक पक्ष का यानी साइड ए का अंश बे हर का अंतर कर दो, यानी दोनों का अंतर कितना आ रहा है, साइड बी का भी अंश बे हर का अंतर करो, यदि दोनों अंतर समान हो तो किसी भी एक अंतर को आप जीरो के बराबर रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स का, एक्स है बाई या कुछ भी उस समीकरण में है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपको दिया गया है x माइनस 8 बटे 3x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1, ये गिवन है आपको, तो वो ये बोल रहा है कि भाई अंश बे हर का अंतर, अंश कौन है, अंश ये और हर ये दोनों का अंतर करो, चला अंतर करें हम, तो जैसे मान लो कि 3x माइनस 2 है, इसमें से हमको घटाना पड़ा भाई x माइनस का 8 है, हम जानते हैं कि देखो 3x तो 3x है ही, ठीक है 3x है, अब ये माइनस का 2 भी है,
ये माइनस इधर को माइनस हो गया और ये माइनस का इस माइनस से इनटू यानी मल्टीप्लाई हो गया आपका प्लस का 8 हो गया। अब आपको जो यहाँ पे मिला वो ये मिला कि 3x माइनस एक्स ये गया तो भाई बचा आपके 2x, 8 में से ये 2 गए यदि माइनस के तो भाई मिले आपको 6, यानी आपको एक साइड तो मिल रहा है ये, यानी ऊपर की साइड तो मिल रहा है आपको ये। अब बात करें साइड बी की मेरे भाई, तो साइड बी में वही ठीक है प्रोसेस, जैसे मान लो कि 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1। अब ये क्यों, आपको पता है कि भाई ये प्लस का था तो अंदर जाके माइनस को जाना था। तो देखो 3x में से 2x गए तो माय डियर आपको बचेंगे x, और 4 में से 1 गए तो आपको बच रहा है प्लस का 3। पर अब ये दूसरा आपको ये मिल गया, पर ऊपर तो 2x प्लस 6। तो भाई देख मेरा, देखो 2x प्लस 6 जो है इसमें 2 कॉमन था ना भाई, 2x प्लस 6 में कौन कॉमन था, 2 कॉमन था, 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा, x प्लस 3 ही बचा ना, बराबर 0 था। तो यहां भी देखें तो मेरे भाई यहां पे भी तो x प्लस 3 ही है, यानी कि साइड ए में और साइड बी में दोनों में आपको x प्लस 3 मिला हुआ है। तो किसी एक को 0 को बराबर रख दो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माय डियर x का वैल्यू क्या आ गया आपका माइनस का 3, बस दैट्स इट। अब देखते हैं यूज नंबर 6, ठीक है, शून्य साम्य समुच्चय का। तो भाई ये बोलता है कि यदि बाएं पक्ष के हरों का योग और दाएं पक्ष के हरों का योग यदि समान आ रहा है, अब दोनों योग समान है तो किसी भी भाई एक योग को क्या कर दे हम, 0 के समान रख दे, आपको उत्तर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपको इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन इक्वेशन 1/x + 7 प्लस 1/x + 9 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/x + 10, ठीक है, इस प्रकार से आपको 10 है, 1 0, ठीक है 10 है। अब ये बोला कि किसी मतलब दोनों पक्षों के जो योग है, जो हर है उनका योग करना है, वो बराबर आना चाहिए। चलो इस वाली को हम लेफ्ट साइड मानते हैं, जोड़ के देखते हैं, इन हरों की बात कर रहे हैं हम, x प्लस 7 प्लस x प्लस 9, यानी कि x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का योग कर दिया है, ठीक है, ये हरों का। तो 2x हुए कि नहीं हुए, तो ये तो आपके हुए 2x, ठीक है, और साथ ये और सॉरी 9 ये साथ ये, तो 9 और 7 आपके 16 हो गए। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड का योग करते हैं, प्लस करते हैं सबको इनको, तो x ये x ये, तो डायरेक्टली देखो 2x तो हो गए ना ये, तो ये हो गए आपके 2x, और 10 और 6 कितने हो गए आपके 16, मतलब ये भी इतने ही हैं और ये भी इतने ही हैं, दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक को 0 के बराबर रख दो, क्योंकि सूत्र ने पहले ही बोला था आपको कि शून्य साम्य समुच्चय सेट को 0 के बराबर रखो, यानी कि 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। माय डियर x को अकेला करना है क्योंकि मान निकालना था, तो 16 को ले गए उधर, भैया हो गया माइनस का, x का वैल्यू चाहिए था तो 2 को भी यहां से हटा दिया, तो माइनस का 16 बटे आपके 2, यानी आपको आंसर मिले 8, x का वैल्यू आपको मिल गया 8। इस प्रकार आपका ये चैप्टर सिलेबस को अकॉर्डिंग समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी सिलेबस के अनुसार। मैंने तो आपको सारे टॉपिक जो भी 2021 के अनुसार थे सारे बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना किसी भी चीज को सक्सेस के लिए, वो होती है सेल्फ प्रैक्टिस। भैया पढ़ाने वाला कितना पढ़ा लो आपको, टीचर कितना पढ़ा लो, पर इसके लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा। टीचर सिखा सकता है, जादू आपको खुद करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।